के बाद हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आता है, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं शेप टूल, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं F10 करेंगे तो शेप टूल, हमारे पास ये शेप टूल है, मान लीजिए ये शेप टूल है। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास आउटलाइन रह जाएगा और बाकी जो अंदर की चीज है वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस चीज को हमें जैसे इस पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए ये पिक टूल है, जब तक आपका सिलेक्ट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, मान लीजिए इस पे पिक टूल किया, उसके बाद इसके सिलेक्ट किया, जो भी है जब तक इस पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास ये नहीं होगा। अब मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ पे शेप टूल है, आप देख लीजिए यहाँ शेप टूल है, यहाँ शेप टूल को हम इस तरह से, अब अगर इस तरह से हम रोटेट करना है, मान लीजिए इस तरह से चारों ओर से ये रोटेट हो जाएगा सेम पोजिशन पे, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेम पोजिशन पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चारों ओर से हमारे पास यहाँ पे हो गया है। अब लॉक कर दिया, अब जैसे लॉक कर दिया ये देखेंगे, ये आपको इसको लॉक करके भी कर सकते हैं, अनलॉक करके भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये चारों तरफ से छोटा ये बड़ा हो, क्योंकि ये हमारे पास ये जो है रेक्टेंगुलर टूल है और ये कन्वर्ट नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसको कन्वर्ट टू, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू, यहाँ पे देखेंगे कन्वर्ट टू कर्व, जब तक इस पर कर्व करेंगे, अब जैसे इसको कर्व करने का तरीका हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है, इसको हमारे पास कर्व हो गया है, और दूसरा ऑप्शन आप इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से कर्व कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ से जाके आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में जाके आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे इसको करेंगे, आप देख सकते हैं इसको हम इस पॉइंट्स को अगर यहाँ पे अगर इस क्लिक करके आप जैसे इसको हम पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट है और इसको अगर हम करना चाहते हैं एंकर पॉइंट को इस तरह यहाँ से मूव करना चाहते और इसका हम शेप देना चाहते हैं तो ये हमारे पास शेप इस तरह से हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास जस्ट जैसे कन्वर्ट कर लिया हमने तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ गए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट्स आ गए, हम इसको बड़ा छोटा यहाँ से मूव कर सकते हैं, यहाँ पे अब अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास, अब मैं क्या करता हूँ इसको सबसे पहले डिलीट करता हूँ और सेकंड में हम एक बना लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं कर्व कर देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे इसको हम मैं करता हूँ सिलेक्ट। अब जैसे इसमें सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इसमें जैसे सिलेक्ट करेंगे हमारे पास ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह से ऑप्शन आ गया है। आपके पास अगर इसको क्या करना है, आपको कोई ऐड करना है पॉइंट्स, ऐसे ऐड करना है आपको तो आप यहाँ से पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब मान लीजिए ये हमारे पॉइंट ऐड हो गया, ये हम इसको एक कॉर्नर से इसको मूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये बीच का हम इसको अगर कुछ करना चाहते, मान लीजिए इसको करना चाहते तो हम जैसे बीच में क्लिक करेंगे हमारे पास ये चीज़ें आ जाएगा कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व के लिए ये रेडी है, हमारे पास ये जो एरो का निशान बना हुआ है ये इस तरह से, अब जैसे इसको करके हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे पास इस तरह से, अब कैसे भी करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से कैसे भी डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ शेप किसी प्रकार की शेप देना है और किसी प्रकार का डिज़ाइन तैयार करना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं करते हैं उसको कंट्रोल जेड। आप मैं क्या करता हूँ, आपको अगर डिलीट करना है, मान लीजिए इसको इस पॉइंट को डिलीट करना है, आप यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे, यहाँ से जैसे कर देंगे ये ऐड का बटन है, यहाँ पे ऐड नोट्स है और ये डिलीट है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं और डबल क्लिक करके भी हटा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस करना है, यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे तो वो वहाँ से पूरा माइनस हो जाएगा जो भी आपका सिलेक्ट है और ये यहाँ पे आपका जो यहाँ से ये टूट गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपका जो भी हो माइनस टूट गया है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास कर्व है। अब जैसे कर्व है, अब इसको अगर ऐड करना है, मान लीजिए इसको ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो हमारे पास ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हम इसके लिए हम दूसरा एक ऑप्शन और देख सकते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम और इसके बाद कर्व कर देता हूँ यहाँ से। कर्व करने के बाद आप देखेंगे, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास कोई एंकर पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा। अब जैसे हम बीच में सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे बीच में हमें कुछ यहाँ पे कुछ वो फाइल करना, तो हमें देखेंगे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे उस वाले फोल्डर पे,
तो यहाँ पे इस वाले पे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम कन्वर्ट टू कर्व के लिए करेंगे तो हमारे पास ए एरो का निशान आ गया। और इस तरह से हम कुछ तरह मतलब किसी तरह का डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हैं, अगर ऐसे इस तरह से डिज़ाइन आपको बनाना है, अगर कैसे भी करके आप कोई से भी डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कलर फिल कर दे और कलर से आप अलग अलग तरीके से आप कर्व बना के आप डिज़ाइन बना सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए इस पर यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रेक कर्व, यहाँ पे जैसे ब्रेक कर्व है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे अब ये चीज़ें हैं हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे जो है इसको हमने सिलेक्ट किया और इस पर हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जैसे ब्रेक करेंगे तो ये हमारा ब्रेक यहाँ से टूट जाएगा, और जैसे टूट गया, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, तो इस तरह से आपका कुछ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बाहर आ गया है। तो जैसे हम ब्रेक करेंगे तो एक्चुअली हमारा क्या है, जैसे अगर ब्रेक करेंगे तो अलग अलग हिस्से को हम यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से या इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं। अगर फिर से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, फिर से आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे देखेंगे ज्वाइन का ऑप्शन है, ब्रेक टू कर्व, यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ पे ब्रेक टू कर्व किया था, यहाँ पे देखेंगे अब जैसे ये है, यहाँ पे ऑप्शन भी इन दोनों पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे ज्वाइंट है, अब ज्वाइंट के लिए क्लिक करेंगे ये ज्वाइंट हो जाएगा। और ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये ब्रेक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे इस पर ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास ये ब्रेक हो जाएगा। और इसको अगर कलर फिल करेंगे, इसके अगर कलर फिल करेंगे तो हमारे पास कलर फिल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है, ब्रेक में हमारा नहीं होता। और फिर से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐड और इसको कर देंगे ऐड, और हमारे पास वो ऐड हो गया। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं तो अलग अलग जगह जगह ये ब्रेक हुआ है, और उस पर हमें अगर पेज फिट में रखना है तो इस तरह से फिट में रख सकते हैं। तो अगर अगर ब्रेक होगा, कहीं भी हिस्सा पार्ट ब्रेक होगा तो हमारा कलर फिल वहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जाएंगे और इसको कर देते हैं कर्व, अब इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब जैसे कि ये है हमारे पास ब्रेक, अब इसको ब्रेक कर दिया, अब इसमें क्या करेंगे, कलर फिल करेंगे तो ये कलर फिल नहीं होगा, सेलेक्ट करने के बाद भी अगर इसमें कलर फिल करेंगे नहीं होगा, क्योंकि हमारा पार्ट जो है ये ब्रेक है, यहाँ से ये हमारे पास ब्रेक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये पार्ट जो है ये ब्रेक हो गया। आपको क्या करना है, इसको ज्वाइंट करना है, तो आपको इन दोनों इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से जाके ऐड कर देंगे, जैसे ऐड कर देंगे आपके पास ये कलर फिल हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका यूजेस कैसे करें और किस तरह से यूजेस करें, इसका यूजेस हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कर्व करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह से क्लिक करेंगे इस तरह से हो जाएगा, ये क्लिक करेंगे। और बाकी हमारे पास कर्व करने का अलग अलग तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें हैं, आप इसको नोट्स को यहाँ पे कर फाइल बना के आप एक एक चीज़ को कर सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम उसके बाद में हम बात करेंगे स्मूथ स्मीर ट्वेल एक्सट्रैक्ट रिवेल स्मूथ, इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। और तब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो अगर आगे भी आपको देखना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।